तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने 80 घाट पर, एक है पार्किंग एरिया, मैं वहीं पर हूँ। अगर आप बेच्चू साइड से नगवा होते हुए अगर आएंगे तो 80 घाट के पास आपका गाड़ी नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस समय देखा है तो काफ़ी तगड़ा वाला भीड़ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अपना गाड़ी जो है पार्क कर दिया हूँ और जो पार्किंग का जो चार्ज है वो है मात्र 20 रुपये। चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। देख रहे हैं ये है टिकट और ये है पार्किंग एरिया, आपको घुमा के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए फिलहाल ये है पार्किंग एरिया, तो चलिए हम लोग निकलते हैं बाहर। फिलहाल देखिए जो गाड़ी है, गाड़ी पूरा यहाँ पर रोक दिया जा रहा है, बैरिकेड भी किया गया, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे प्रशासन द्वारा पूरा टीम लगा हुआ है यहाँ पर। ये देख रहे हैं इस ए बनारस, इस साइड देखिए एक मेला लगा हुआ 80 घाट का, यानी कि हर साल जैसे लगता है उसी प्रकार मेला लगा हुआ है। और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये है मेरी मिसेज जी, इनको आज मैं पूरा बनारस घुमा रहा हूँ। तो पहले चलते हैं मेला साइड, चलो चलते हैं मेला साइड, श्री बजरंग प्रदर्शनी। फिलहाल आज देखा है तो काफ़ी तगड़ा वाला भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कई सारे आपके झूले लगे हुए हैं। इसी मैदान में हर साल लगता है मेला। इस साइड देखिए बच्चों का झूला है। फिलहाल देखिए गाना बज रहा है, जिसकी वजह से कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो इसलिए शायद मैं इसमें म्यूजिक का इस्तेमाल करूँ। देख रहे हैं झूला झूलने वाले को इतना तगड़ा वाला भीड़ है। इस साइड है टिकट काउंटर, ये देखिए टिकट काउंटर है। और भैया टिकट कितने का है यहाँ पे? 80 रुपया। ये देख रहे हैं पहले 60 रुपया था, 80 रुपया हो गया टिकट। धीरे धीरे महंगाई के हिसाब से झूलों का भी जो दाम है बढ़ना शुरू हो गया है। 80 रुपया टिकट है। उस साइड देखिए गाना बज रहा, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा क्लेम आने का चांस है। फिलहाल इस साइड देखिए ड्रैगन ट्रेन भी है सामने, उस साइड इस साइड देखिए बच्चों का खिलौना, एक लाइन से पूरा लेडीज आइटम दिखते हुए आपको नजर आ रहा होगा। इस साइड देखिए गोलू मनोरंजन, ये मनोरंजन 20 रुपये में। गिलास खड़ा रहने पर इनाम नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर एक भी गिलास खड़ा है तो इनाम नहीं दिया जाएगा। इस साइड सामने है ब्रेक डांस और उस साइड देखिए है मिकी माउस। इस साइड देखिए जो है टिकट का प्राइस है वो है 60 रुपये, जो है ड्रैगन ट्रेन। फिलहाल यह था मेला का नज़ारा, अब आपको लेकर चलते हैं 80 घाट, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो चलते हैं वहाँ पर, हम लोग चला जाए 80 घाट। ठीक है, काफ़ी तगड़ा वाला भीड़ है। फिलहाल ये देख रहे हैं ये भीड़ इतना तगड़ा है, यहाँ पर देखिए कई सारे रेस्टोरेंट भी हैं। उस साइड आगे है ठेठ बनारसी बाटी चौखा रेस्टोरेंट, यानी कि वहाँ पर जाएंगे तो आप गंगा नदी का नज़ारा भी ले सकते हैं, बाटी चौखा का आनंद भी ले सकते हैं। फिलहाल देखा है जिस प्रकार यहाँ 80 घाट पर रोडों पर भीड़ देख रहे हैं, उसी प्रकार घाटों पर भी भीड़ है। और ऐसे ही देखा है तो जितने भी आपके दशाश्वमेध घाट हो गए हैं, काशी विश्वनाथ धाम हो गया, नमो घाट हो गया, राजघाट हो गया, सभी जगह देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार आपको भीड़ देखने को मिलेगा। फिलहाल देखें यहाँ पर दुकान खुल चुका है, आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये देख रहे हैं जाने का इस साइड से, वहाँ पर देख रहे हैं पूरा गोरी का स्टॉक है, यहाँ नहीं कि बाटी चोखा बनाने के लिए। चलिए रेस्टोरेंट इस साइड देखिए, रेस्टोरेंट भी है, ये भी गंगा नदी के किनारे ही है। फिलहाल देखिए इस साइड, ये देख रहे हैं मेन रोड, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। चलिए इस साइड से चलते हैं, इस साइड से बाएं साइड हो जाओ, क्योंकि उस साइड से लोग आ रहे हैं ना।
देख रहे हो। फिलहाल हम लोग 80 घाट आ गए हैं। इस साइड है सुबह है बनारस का मंच। अगर सुबह में आएंगे तो यहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता आपको नजर आएगा या फिर योगा। हालांकि योगा तो देखा है तो पर डे होता है यहाँ पर 80 घाट पर। अपने ये देख रहे हैं इस साइड बच्चों का खिलौना। हालांकि देखेंगे और किसी दिन आएंगे तो यहाँ पर ऐसे जो दुकानें लगी हुई हैं वैसा नहीं लगा रहेगा। इस साइड देखिए झाड़ू मारा जा रहा है, उस साइड भी देखिए झाड़ू मारा जा रहा है। उस साइड है यज्ञशाला। चलिए लेकर चलते हैं अब नीचे। नीचे यानी कि देखा है तो यह जो है यह पक्का घाट है। नीचे पूरा मिट्टी है, मिट्टी का ढेर पूरा जमा हुआ था इससे तगड़ा पूरा। ये जो देख रहे हैं पूरा इस एरिया में भी पूरा बाढ़ के समय पूरा मिट्टी का ढेर जमा था। चलते हैं नीचे। नीचे भी देखेंगे, नीचे भी काफ़ी ज़बरदस्त तगड़ा वाला भीड़ है। देख रहे हैं मेरे पीछे आप जहाँ देखेंगे तहाँ जबरदस्त वाला भीड़। हालांकि यह थोड़ा लंबा चौड़ा जगह है 80 घाट और इसीलिए फेमस भी है और बहुत से लोग हैं जो कि जैसे कि देखा जाए तो बीएचयू के जो स्टूडेंट होंगे वो लोग बीएचयू नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। अपने बनारस के लोग भी यहीं पर आना पसंद करते हैं और दूर दराज से भी लोग बहुत मतलब कि आते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध है ये 80 घाट। ये देख रहे हैं भीड़ इस समय देखिए बज रहा है लगभग कितना बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। ये देख रहे हैं 4 बज रहा है लेकिन अभी जैसे जा रहा है कि ये देखिए शाम होने वाला है ना। टाइम देखने जा रही हो क्या मोबाइल में? 4 बजने वाला है ना, वही कर रहे हैं लमसम वही नहीं बज रहा होगा। चलिए आपको थोड़ा सा सीन दिखा देते हैं बैक कैमरे से। ये देख रहे हैं जहाँ देखेंगे अपने 80 घाट पर कुछ इस प्रकार का भीड़ देखने को मिलेगा और वहाँ पर होता है शाम को आरती। और देखेंगे तो पूरा 80 घाट, गंगामल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट तक भीड़ आपको इसी प्रकार मिलेगा। चहल बहल सभी घाटों पर देखने को मिलेगा और उसी प्रकार देखेंगे देखिए उस साइड भी भीड़ है। उस साइड भी काफ़ी तगड़ा वाला भीड़ है जो कि नाव के माध्यम से उस पार सभी लोग जा रहे हैं लेकिन कोहरा होने की वजह से आपको नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि उसी पार टेंट सिटी भी तैयार हो रहा है। अपने वाराणसी के इस समय दिखाया तो काफ़ी चर्चा में है टेंट सिटी। और उस साइड भी देखिए यानी कि जो मैंने अभी झूला दिखाया था वो ऊपर लगा हुआ था, अब देखें तो नीचे भी ये देख रहे हैं गंगा नदी के किनारे भी झूला लगा हुआ है, मिक्की माउस लगा हुआ है। तो चलिए उस साइड से भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा सीन 80 घाट का। ठीक है तो चलिए वहीं पर चलते हैं जहाँ पर गंगा नदी के किनारे लगा हुआ झूला, उस साइड से भी सीन थोड़ा सा दिखा देते हैं। और आज दिन भर दिखाया तो दिन भर आज हम ही लोग घूम रहे हैं और जो बाबू है वो साथ में है नहीं, वो गया था दादी जी के साथ घूमने अपने। देख रहे हैं इस साइड देखिए पहले इतना ज़्यादा भीड़ है कि साथ में चलना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। ये देख रहे हैं ना। और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो अपने वाराणसी के हैं लेकिन वाराणसी इस समय मौजूद नहीं है। और मैं कुछ ऐसा मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको लगे खुद कि हाँ मैं वाराणसी में ही घूम रहा हूँ, ना ही म्यूजिक का इस्तेमाल और ना ही ज़्यादा कुछ एडिटिंग वीडियो में। आपको थोड़ा सीन दिखा देंगे, देखिए इस साइड भी देख रहे हैं नौका विहार करते हुए बहुत से लोग नजर आ रहे होंगे गंगा नदी में। ये देख रहे हैं चलिए चलते हैं। देखिए ब्लॉगिंग करना भी काफ़ी आसान नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है, कोई आया टकरा गया, मोबाइल आपका गिर गया, कैमरा गिर गया, गोप्रो गिर गया, तो इसलिए काफ़ी सावधानी भी रखते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप ब्लॉग ही बनाते रहिए और ध्यान मत दीजिए। चार बजे
से देख रहे हैं धीरे धीरे आ रही है पीछे जी। यहाँ पर देखो बैरिकेड लगाया गया है, देख रहे हैं ना। ये देखिए झूले का रेट तो नहीं मालूम, लेकिन जो मिकी माउस का है वो है 40 रुपये। और ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे जो कि नाव वाला झूला है, और इस साइड ये देखिए ड्रैगन झूला, ये देख रहे हैं ना। और ये है सीन कुछ इस प्रकार। यहाँ पर देखिए फास्ट फूड की भी दुकानें आपको देखने को मिल जाएगा। और ये भीड़ देखिए 80 घाट का। ये देख रहे हैं सामने आपको मैगी भी बिकते हुए नजर आ रहा होगा, क्योंकि देखा है तो 80 घाट का काफ़ी प्रसिद्ध है मैगी वाला दुकान। देखिए उस साइड उसी पर देखिए उस साइड भी अब बिक रहा है। ये देख रहे हैं छाल मुड़ी भी बिकते हुए, भेल पूड़ी बिकते हुए नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैं बता रहा था इस साइड भी देखिए मोमो का ही स्टॉल लगा हुआ है। तो फिलहाल देखिए साथ में हम दोनों ने आपको 80 घाट का सीन दिखा दिया, काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन है जैसा कि आपने दिखाई है वीडियो में। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल का नाम भी बता दो, मराठी यूट्यूबर। हाँ ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर महादेव।